हेलो पॉकी आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज पॉकीमॉन पर्ल को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉकीमॉन पर्ल के एडवेंचर। तो सबसे पहले तो मैं ये सिटी थोड़ा घूम लेता हूँ, क्या क्या है इस सिटी में वो भी देखने होगा। और अगर देखने में ये वीडियो थोड़ा अलग लग रहा हो या फिर कुछ अलग लग रहा हो वीडियो में, तब बताना, क्योंकि मैंने लेआउट मैं कोशिश करूँगा डाल देने का। अलग नहीं लग रहा हो तो समझ जाए कि गड़बड़ हो गई है, इसलिए अलग नहीं लग रहा। अंडरग्राउंड मैनस हाउस, कॉइन डाउन फॉर एडवेंचर। चलते इस घर में, क्या है ये, कुछ देगा क्या ये हम लोगों को? आई एम द फर्स्ट टू बी गॉन अंडरग्राउंड एंड डग सम टनल्स। यू कैन कॉल मी अंडरग्राउंड मैन। आई वन एल्स डर्स। आई मेक अ गिफ्ट फॉर दिस इज यू, दिस टू यू। यू होल्ड अप योर एंड ऑफ द डील एंड पुट इट गुड यूज। क्या है गिफ्ट? एक्सप्लोर किट। ये क्या है? इंटरनेटिक अंडरग्राउंड, यू विल नीड टू यूज इट एंड यू विल बी डाउन इन टनल्स। द अंडरग्राउंड इज डिफरेंट वर्ल्ड वेयर यू कैन डू दिस दैट। ठीक है, बहुत बात हो गया। चैलेंज बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं चैलेंज लूँगा। फाइट करेगा? आई विल गिव योर नेक्स्ट टेस्ट। ये क्या है? Let's dig up some treasures. I am from Orenburg. I work in the mining museum there. I got advice from the underground man on digging up. ठीक है, बहुत हो गया इसका भी बात। अब इससे बात कर लेते हैं। The underground tunnels go everywhere. So DS communication के बारे में कुछ बता रहा है। तो DS communication NDS game में ये होता है कि उसमें ये classic member है, लग तो रहा है। You have seen our build. You have seen our buildings. Team Glacity is so sinking rich. मैं देखना भी नहीं है उस buildings को। Team Glacity का hideout होगा वो पक्का। बहुत बार मैंने इसी पे क्लिक कर दिया। चलते हैं अब साइकिल हाउस पर। साइकिल तो मैं ले ही लेता हूँ। या फिर जब निकलने आएंगे हम सिटी से तब लेंगे। इधर चलते हैं। अब तक ये कौन है? Oh, this is the Pokédex. You must be helping Professor Rao. Yes, मैं Pokemon. Oh, Pokemon बोलूँ। Professor Rao का तो मैं help कर ही रहा हूँ। What's your name? My name is Ro. And what's yours? Cynthia. ये Elite Four की member है। Elite Four की member है ये। Here in the Eternal City, there is a statue of ancient Pokemon. According to might, it was an extremely powerful Pokemon. Who knows? You may encounter someone like it. You are traveling with your Pokédex. Try using this, it should help your way. क्या दे रही है ये? HM1 cut. बहुत बढ़िया, कट मिल गया हम लोग को। Remember, the hidden move cut can be used in fields. It will go places that were previously inaccessible to you. That is important for filling your Pokédex. तो मैं कट सिखा देता हूँ किसी को। कट कहाँ है मेरा? ये रख कट, इसको सिखाऊं कट। वॉरियर को मैं नहीं सिखाऊंगा, फास्ट वॉर ऑफ कर देता हूँ, सही लगेगा दिखने में। फिर बड़ी को भी नहीं, मड़ी को सिखा देता हूँ कट। मड़ी के पास कोई क्या फालतू मूव है? काश हो। मड़ी का मड स्लैप हटा देते हैं। मड स्लैप हटा देते मड़ी का। वन टू थ्री प्रूफ, मछला फट गया और कट सीख गया मड़ी। चलते हैं इसमें। दिस ट्री लुक्स लाइक टू कट डाउन। अच्छे कट हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग को इस जिम नेक्स्ट जिम बैच का नहीं आ जाएगा बैच। ये है डाल गया नहीं है बट पाल क्या है? डाल गया नहीं है, पाल क्या है? ठीक है, बहुत बोल दिया। फिर से मैंने क्लिक कर दिया इस पर। अभी यहाँ पे तीन साइड से थी, में से एक साइड से तो हमने आई है, बाकी दो साइड देखते क्या है। एक घर दिख रहा है इधर, क्या है इस घर में? एथेना कम टू बी लॉन्ग एंड ऑनर ऑफ एंशिएंट पॉकेमॉन थ्रू मैनी हैव दे चेंज्ड। ओहो ठीक है,
अब बोरिंग ना लगे इसे फास्ट फॉरवर्ड करना ही होगा, तो बहुत यहाँ पे बहुत बात होते हैं। हाँ मैं देख लिया पॉकीमोन स्टैचू हो गया इधर भी, और कोई है कि इधर? ये तो हम नेक्स्ट रूट पहुंच जाएंगे इधर से, तो इधर मैं देखता हूँ क्या है। कुछ नहीं इधर, ठीक है कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से नीचे चलते, नीचे मैं देखा नहीं था क्या क्या है। ये बाइक शॉप है, रेड सिस्टर साइकिल शॉप, इधर मार्ट है, ये क्या है? अटना कॉम्युनिकेशन नेम मेटिंग सर्विसेस, अच्छा नेम मेटिंग सर्विसेस इधर भी है। इधर है जिम, तो लड़ते हैं जिम। अपना वाटर टाइप को पहले मैं पॉकीमोन को आगे रख देता हूँ। ये किस टाइप का जिम है ये भी नहीं पता है मुझे। मैंने फ्लोटल जो पकड़ा था, अपने फ्लूजल जो पकड़ा था उसको मैं पीसी में डाल दिया, क्योंकि वाटर टाइप हम लोग के पास सेलोस है ही पहले से। और सेलोस का हम लोगों ने क्या नाम रखा था, मैं नाम भूल गया, क्या रखा था हम लोगों ने नाम, मड़ी रखा था। एट माई जिम नो वन गेट्स टू बैटल द जिम लीडर मी अनटिल दे हैव बीटन ऑल अदर ट्रेनर्स, आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द बैक, गुड लक चैलेंजर। कौन सा टाइप यूज करती है पूछ लेते से। हे देयर इज गोइंग टू बी चैम्प टू बी एक्चुअली दैट्स व्हाई आई सी समथिंग बॉय हु जिप्ड इन हियर अर्लियर द जिम लीडर गार्डिया यूज ग्रास टाइप पॉकीमोन, ठीक है फायर तो है हम लोग के पास, ठीक है बात हो गया, फायर टाइप पॉकीमोन तो है ही हम लोग के पास, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब किधर से जाना है वो देखना होगा, इधर नहीं, इधर नहीं तो किधर? कुछ है किधर? ये तो लग रहा है जैसे अलोला में हम लोग का ट्रायल चल रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा भूल भूली गया ऐसे मेज बनाया हुआ है। किधर हो सकती है यहाँ पे? अच्छा मैंने किसी को देखा था उधर, यहाँ पे एक ही है, मैंने इधर देखा था आगे इधर से राइट, हाँ ये यहाँ ही देखा था। हाउ डिड यू नो, यू नीड टू फायर मी, लेट्स हैव आवर बैटल, करते इसके साथ बैटल। कौन है? ध्रुव वर्सेस कैलोरीन, चलो भी है इसके पास, हराते हैं एम्बर के साथ, एक एम्बर से फेंट। कौन है ये? कोई ग्रास टाइप ही होकर रोजेलिया, रोजेलिया को बहा देते हैं, एक एम्बर से फेंट। रोजेग्रेड अच्छा पॉकीमोन है, लेकिन रोजेलिया मुझे अच्छा पॉकीमोन नहीं लगता। वॉयन लीग में पहली बार रोजेलिया को मैंने देखा था। ओके नेक्स्ट ट्रेनर इज एट द एंड पास द टू बिल्डर्स, आई थिंक इधर है नेक्स्ट ट्रेनर, इधर ही था बाउल्डर्स, हाँ ये रही नेक्स्ट ट्रेनर। माय ग्रास टाइप पॉकीमोन कैन बी डॉल आउट सम सीरियस स्पेशल अटैक्स, आई वॉन्ट लेट यू इजली विन, सो ध्रुव वर्सेस अरोमा लेडी जेना, फाइट एम्बर, एक एक एम्बर से फेंट होगा सब, वीडियो फेंटेड, वॉयर लेवल 32, और शायद आज हम लोग का वॉयर बन जाएगा इन्फोनेप, इन्फोनेप मैंने बहुत ही वेट किया इन्फोनेप के साथ खेलने के लिए, तो मैंने अभी तक शिनोवा कोई भी गेम नहीं खेला, तो इन्फोनेप मेरा फेवरेट पॉकीमोन है। शिनोवा गेम में मन तो किया बहुत खेलने का, लेकिन मैं सब गेम ऑन कैमरा ही खेलना चाहता था, इसलिए मैं कोई भी गेम नहीं खेल रहा था, स्विच बिल्कुल नहीं, स्विच तो नहीं करना है। अभी जब हम लोग को वॉरियर हरा रहे हैं सबको, तब क्या दिक्कत है? और तब क्यों स्विच करेंगे हम लोग? कितने मिनट का एपिसोड हुआ अभी? 9 मिनट का ही हुआ, अभी बहुत टाइम है, आराम से हम लोग खेलते हैं। लेवल 33 हो गया है वॉरियर का, और लास्ट लेवल 34 बस करना है। ओ दैट्स अ हिंट आवर नेक्स्ट ट्रेनर इन द मिडिल ऑफ थ्री ट्रीज, दैट्स माय हिंट, मिडिल ऑफ थ्री ट्रीज, तीन ट्रीज के बीच में, यहाँ पे दो ही ट्रीज है, तीन ट्रीज के बीच में,
कहाँ पे थी इन ट्रीज के बीच में? कहाँ हो गई? तीन ट्रीज के बीच में उसने हिंट दिया है। हाँ मिल गई, यहाँ पे है ये ट्री ना। इवन when you try to conceal it, you can't hide from aroma of flowers. फाइट करते हैं हम लोग एंगेला से टर्टविक। ओह टर्टविक है इसके पास, वन हिट को टर्टविक हो गया। और वॉलिया हम लोग लेवल 34, बस थोड़ा सा और हम लोग को मिल जाएगा अपना इन्फोनेप। योर नेक्स्ट अपोनेंट इज बिसाइड फोर फ्लावर्स। ओ फोर फ्लावर्स के पीछे है, कौन से फोर फ्लावर के पीछे है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब जिम लीडर कब आएगी? फोर फ्लावर्स के पीछे तो दिखाई तो देगी ट्रेनर, बैटल करते पहले उससे और लेवल 34 को हो जाएगा हम लोगों का वॉरियर। ओके तो ध्रुव वर्सेस सिन से ये अब लेवल 34 को होने वाला वॉरियर लेवल 34। इन्फर्नेप हो गया हम लोग। इन्फर्नेप क्या बन गया? हाँ बिल्कुल, अब इन्फर्नेप हम लोग बन जाएगा वॉरियर। व्हाट वॉरियर इज इवॉल्विंग, बस होने वाला है वो। नहीं मैं खुद भूल गया था, लेवल 36 में होता है। मैं जिम लीडर के मैथ से होगा, जिम मैथ से होगा, जिम मैच। क्या कर रहा हूँ मैं? यू किप्ड आई एम एथेना जिम लीडर गार्डिया गर्डिनिया। व्हेन आई फर्स्ट सी यू आई कन्विंस यू टू फाइंड योर वे टू मी। My hunch was right on money. Have you winning over about Arceus? So anyway, let's have a battle begin. Ruf versus Leader Gardenia. Cherubi तो तुरंत आ जाएगी। Cherubi में ज़्यादा पावर रहता नहीं है। सुपर एक्सेप्टिव मूव तो लेवल 19 की थी। Cherubi printed Turtwig. टर्टविक तो है अच्छा पॉकीमॉन, देखिए बस टर्टविक के स्टेज में ही। फिर टॉर्टेरा जब बनता है, ग्रोटर और टॉर्टेरा वो तो मुझे पसंद नहीं है। ग्रोटर स्टेज में मुझे बढ़िया नहीं लगता है और टॉर्टेरा स्पीड स्टेज में इतना कम स्पीड हो जाता है कि बहुत ही बेकार बन जाता है पॉकीमॉन। लास्ट पॉकीमॉन लेवल 36 शायद ना हो, शायद ना हो। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने जिम लीडर को हरा दिया, मैंने बस एक पॉकीमॉन से हरा दिया हम लोगों ने। क्या किया ये, साइट्रस वैली से रिस्टोर कर लिया। तो एक और एम्बर करते हैं और हरा देते हैं। एक एम्बर और फेंट, ठीक है। क्या लेवल 36, अब वो देखने वाली बात है। लेवल 36 और बन जाएगा हम लोगों का, नहीं अभी नहीं। You might have said it before, but you are really tough. Wasn't it hard for you to raise your Pokemon to be so good? हाँ ये तो hard होता ही है। Guess that to measure how much you love your Pokemon. In the recognition of that, I proudly grant you this. To receive Forest Badge from Gardenia. With the Forest Badge, your Pokemon can be used here and move cut. ठीक है? Cut अपन use कर सकते हैं। Now you have 2 gym badges. हाँ? All Pokemon you received in Faith will obey level up to level 30. I have also got something else. TM86. ठीक है। Grass knot इतना बढ़िया मूव लगता नहीं है मुझे। चलते इस जिम से बाहर। एक्सपीरियंस है, काश इसमें होता। काश होता एक्सपीरियंस है तो मज़ा आता। पॉकीबॉल तो देखेगा कि मैं लू कैसे पॉकीबॉल। दिख तो रहे हैं पॉकीबॉल लेकिन मैं ले कैसे सकता हूँ? उधर रास्ता है। सुपर पोशन, बहुत बढ़िया सुपर पोशन मिल गया। और कुछ है कि इधर चलूँ मैं? साइंटिस्ट है,
along Dhruv, long time no see. Oh, you look puzzled. You wondering who I am? Haan, bilkul. I am Professor Rao's assistant and Down's father. Oh, yeah. I have come a long way to help you on an adventure at Professor's behest. Let me ask you, how many Pokemon did you meet? I meet only 32 Pokemon. You find at least 35 Pokemon. If you can't, it will be tough to complete Shino Pokedex. Okay, you need a bicycle. So bicycle chahiye. Bicycle hum khareed ke liye aate pehle. Bicycle house kidhar hai? Ye raha. Bicycle shop mein chalte hain aur khareed lete. Shop mein kuch nahi to main le sakta hu kya kuch se? I am the manager. The manager gone up to the team glacier tick building and has not returned. I wonder what's holding him up. Oh, ये बात है. Team Glaciatic का building कौन सा है? क्या ये है? क्या ये है Team Glaciatic का building? किधर है Team Glaciatic का building? ये क्या है? चलते इसमें. क्या थी यही वो building? लग तो नहीं रहा कि ये है building. टीम ग्लेशियटिक का मैं सोच रहा हूँ इस एपिसोड में हम लोग जिम्बा जीत ही चुके हैं तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में अपना आइक एडवेंचर कंटिन्यू करेंगे और टीम ग्लेशियटिक को धूल चटाना है अपने नेक्स्ट एपिसोड में. अच्छा ये है टीम ग्लेशियटिक का बिल्डिंग तो चलेंगे हम लोग इसके अंदर अपने अगले एपिसोड में. तब तक के लिए क्या करोगे? तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना और नए हो लाइक करना. एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब तो बनता ही है. हमें सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं तो फैन फॉलोइंग तो ही और बढ़ना चाहिए. इसलिए मैं नया नया वीडियो तभी मैं लाऊंगा जब फैन फॉलोइंग बढ़े. तब मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय बाय. Never gonna let you go, never gonna say goodbye.